नमस्कार, माजी आयुर्वेदा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको पालक के गुणों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अच्छी सेहत के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत फायदेमंद होती है। हरी पत्तेदार सब्जियों में पालक को सबसे अधिक स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। पालक में काफी मात्रा में विटामिन और खनिज होते हैं। इसके साथ ही पालक में विटामिन ए, विटामिन B2, सी, विटामिन ई के, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जस्ता, फास्फोरस, प्रोटीन और फाइबर का अच्छा स्रोत है, जो इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाता है। आमतौर पर पालक को कच्चा या पकाकर दोनों तरह से खाया जाता है। खास तौर से पालक को सुपर फूड कहा जाता है। पालक के बहुत से फायदे हैं। पालक बीटा कैरोटीन, ल्यूटीन जैसे कैरोटीनॉइड्स गुण होते हैं, जो आंखों की रोशनी के लिए फायदेमंद है। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए पालक को सलाद की तरह खाना चाहिए। पालक में कैलोरी की मात्रा काफी कम होती है और पालक में अधिक मात्रा में घुलनशील फाइबर पाया जाता है। पालक में पाया जाने वाला फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है, जिससे कब्ज की समस्या नहीं होती है और इसके सेवन से बार बार भूख नहीं लगती है, जिससे मोटापा की समस्या खत्म होती है। पालक में भरपूर मात्रा में नाइट्रेट पाया जाता है, जो ब्लड शुगर को नियंत्रित रखता है। पालक एंटीऑक्सीडेंट के गुणों से भरपूर होता है, जो हृदय को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। पालक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जिससे सूजन कम करने में सहायता मिलती है। पालक में विटामिन B6, ए, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फाइबर से भरपूर पालक का सेवन शरीर में तेजी से खून की पूर्ति करता है। पालक में पोटेशियम अधिक मात्रा में होता है, जबकि सोडियम कम मात्रा में होता है, इसलिए पालक को रक्तचाप कम करने में सहायक माना जाता है। इसके लिए आपको पालक के जूस का सेवन करना चाहिए। पालक में अधिक मात्रा में जैक्सेथिन और कैरोटीनॉइड पाया जाता है, जो शरीर से फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालने में मदद करता है। फ्री रेडिकल्स कैंसर जैसी कई बीमारियों को जन्म देते हैं, इसलिए नियमित रूप से पालक का सेवन करना चाहिए। पालक में कैल्शियम पाया जाता है, जो दांतों और हड्डियों के लिए जरूरी होता है। पालक खाने से हड्डियां मजबूत होती है और फ्रैक्चर का खतरा कम होता है। पालक में जिंक और कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कई तरह की मानसिक बीमारियों को ठीक करते हैं और पालक दिमाग को शांत रखता है। पालक खाने से बॉडी रिलैक्स रहती है और नींद अच्छी आती है। पालक में पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इसका सीमित मात्रा में ही सेवन करना चाहिए। किडनी रोग के मरीज को डॉक्टर की सलाह के बाद ही पालक का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।